Hey guys, क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे, और नहीं बढ़िया होंगे तो मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत बढ़िया हो जाओगे। तो आज का वीडियो भी बड़ा सा सिंपल है। मैं जा रहा हूँ मुंबई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस गरीब को कौन ले जा रहा होगा, किसने बुलाया होगा। तो मैं आपको प्राउड होने वाली की बात बताता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है इंडियन आइडल में। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या फेंक रहा है, लेकिन रुको मैं आपको मेरा ऑडिशन वाला राउंड दिखाता हूँ। क्या बात है, जी करता है तेरा बुर्ज खलीफा, जी करता दिला दे मेनू बुर्ज खलीफा, मेनू बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। चलो बसने बहुत हो गई। तो मैं जा रहा हूँ मुंबई कॉफी फेस्टिवल में, और वहाँ पे होने वाला है लाडियाट थ्रोडाउन का रीजनल्स राउंड। तो मेरा वहाँ पे लाडियाट का राउंड है, तो देखते हैं, जीतते हैं तो मैं आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में, और नहीं जीतते तो वो भी मिल जाएगा, और थोड़ा फेस्टिवल में भी घूम लेंगे, और टाइम मिलेगा तो मुंबई में थोड़ा घूम लेंगे। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ मुंबई। तो सुबह की पहली ट्रेन लेके हम भी निकल गए हैं, और सूरज दादा ने भी हमारा वेलकम बड़े प्यार से किया है। लुक एट दिस व्यू, ये रही हमारी ट्रेन, और इसमें हम सफर कर रहे हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जा रही है नदी, जिसका नाम मुझे नहीं पता, जिसको भी पता हो कमेंट में जरूर बताइए। मुंबई पहुंचते ही हमें कुछ ये देखने को मिला, ओह माय गॉड, ये लोग कैसे सब मैनेज करते यार, ऐसे ट्रैवल करना तो मेरे बस की बात है नहीं, ये लोग कैसे कर लेते सब। ट्रेन से उतरने के बाद हम सीधा रिक्शा लेके हमारे लोकेशन पे पहुंच गए। इंडिया के पूरे कॉफी कम्युनिटी, जो कॉफी रोस्टर्स है, फिर कैफेस वाले हैं, वो सारे आए हैं। इजी नहीं है यार, एकदम सीरियस है। राउंड में मैं तो नहीं जीता, लेकिन आपको कौन सा लाडियाट ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो मुझे कमेंट में बताओ। और वहाँ पे फिर मुझे रहने का मन भी नहीं हो रहा था, तो मैं निकल गया और मैं आ गया जुहू बीच पे। मुझे पीनी थी कॉफ़ी, और मैं एरोप्रेस लेके गया था साथ में, तो फिर मैंने निकाला पूरा सेटअप और कॉफ़ी बनाना चालू कर दिया।
कैफे में कॉफी बनाने की मजा तो आती है, लेकिन ऐसे खुले में बीच पे कॉफी बनाने की मजा कुछ अलग ही है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करना ऐसे बीच पे जाके कॉफी बनाना और इंजॉय करना। इतना ब्यूटीफुल व्यू और साथ में कॉफी, ओह माय गॉड, मेरे लाइफ का बेस्ट डे। Hey guys, तो अब मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने के लिए। बोटिंग करने के लिए ठीक है, अभी जो बीच का है ना वहाँ पे बोटिंग करने के लिए। बोटिंग। बोटिंग करने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। तब तक हमने पानी के साथ थोड़ी मस्ती की और मुझे यहाँ पे एक साथ सन और मून एक साथ देखने को मिले। क्या ही मोमेंट था, वाओ। सर आप आई कर दो। से निकल गए और मैंने लाइफ में पहली बार बीच पे इतने सारे लोग देखे, पूरा बीच फुल था।